से खुलासा किया था कि कितने गलत तरीके से कैबिनेट के अंदर और किस तरीके से ये बगैर कैबिनेट कमेटी में भेजे हुए ये तीनों काले कानून किसानों की जमीन को हड़पने की नीयत से बनाए गए थे, उसका उन्होंने विरोध किया और जब उनकी बात नहीं सुनी गई तो उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी पंजाब में घूमते हुए घोषणाओं पर घोषणा करते हैं और घूम रहे हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी के लोगों ने पंजाब के बारे में कोई शोध या यहाँ पर जानकारी हासिल नहीं की, बस झूठे वादों के सहारे मैदान में उतर पड़े हैं। जिस तरह दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया है वो सोच रहे हैं कि शायद पंजाब की जनता को भी उसी तरीके से बेवकूफ बना लेंगे। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के दलित परिवार को 1997 में 1997 से ही 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। ये शायद उनको नहीं मालूम जब वो घोषणा करते हैं कि हम उनको मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। वो जगह जगह जाकर दिखाते हैं कि वो बाबा साहब के आदर्शों पर चलते हैं, कैलेंडर पर अपनी और बाबा साहब की फोटो साथ साथ में लगाते हैं, पर चुनाव खत्म होते ही बाबा साहब को भूल जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्शों पर कायम रहने वाली पार्टी सिर्फ